हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद द न्यू वर्ड्स एंड एट लॉजी। आज हम ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो लॉजी पे ख़त्म होते हैं। ये वर्ड्स होंगे 10 लेटर बेस्ड, मींस एक मीनिंग में 10 अक्षर होंगे, 10 लेटर की मीनिंग होगी। फर्स्ट मीनिंग है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे कि आप जानते ही हैं, टेक्नोलॉजी वर्ड बहुत ही यूज होता है। इसका मतलब बिना बताए ही समझ में आ जाता है, द स्टडी ऑफ टेक्निक, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। सेकेंड वर्ड है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जैसे सेकेंड वर्ड है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्टडी करना ही ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिजियोलॉजी कहलाता है। थर्ड वर्ड है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड साइंस को, जिस साइंस की वह ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ब्लड एंड इट्स टाइप, दैट इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी तीसरा चौथा वर्ड है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है साइज एंड शेप, मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द साइज और शेप ऑफ एनी बॉडी, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसके बाद आता है टॉक्सिकोलॉजी। जहाँ पर भी टॉक्सिक वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है पॉइजन से या ड्रग्स से। तो टॉक्सिकोलॉजी साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम पॉइजन या ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है, टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है नीफ्रोलॉजी। नीफ्रोलॉजी में हम किडनीज की बीमारी जो होती हैं, द डिजीजेस ऑफ किडनीज, जो हमारी बॉडी में किडनी होती हैं उसमें जो डिजीज़ होती हैं, जो उसमें बीमारियाँ होती हैं उससे रिलेटेड जो भी, उसको हम नीफ्रोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द डिजीजेज ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड नीफ्रोलॉजी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है मिनरलॉजी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिनरलॉजी, अगर मिनरल को हम बीच से ब्रेक करें तो MINERAL, मिनरल प्लस लॉजी मीन्स मिनरलॉजी। जो मिनरल्स होते हैं उनकी स्टडी मिनरलॉजी में की जाती है। अब मिनरल्स तो आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी जैसा वर्ड है उसका जस्ट अलग ही कुछ मतलब निकलता है। इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े। INSECTS, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, कीड़े मकोड़े। द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंसेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है म्यूजिकोलॉजी। म्यूजिकोलॉजी अगर इसको ब्रेक करेंगे तो म्यूजिक प्लस लॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी लर्न और स्टडी द म्यूजिक, दैट इज कॉल्ड म्यूजिकोलॉजी। नेक्स्ट आता है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी को भी ब्रेक करने पे नंबर प्लस लॉजी, नंबर प्लस लॉजी, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो न्यूमेरोलॉजी बनता है। तो न्यूमेरोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नंबर्स एंड देयर एप्लीकेशंस, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूमेरोलॉजी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड में फ्रीनोलॉजी। फ्रीनोलॉजी बहुत ही पूछा गया वर्ड है, इसको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसका मतलब भी कुछ ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में ये हर बार क्वेश्चन बनता है। फ्रीनोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मेंटल एबिलिटीज़। जो मानसिक एबिलिटीज़ होती हैं हमारी, मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, जितने भी मेंटल से रिलेटेड एबिलिटी होती है इनको हम फ्रीनोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी में एक सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात है कि इसकी मीनिंग स्टार्ट होती है पी से।
हालांकि इसको लोग जानते हैं, ये कोई अननोन वर्ड नहीं है, लेकिन जो भी इसे पहले फर्स्ट टाइम पढ़ता है उसके लिए वो पी साइकोलॉजी पढ़ता है, जबकि साइकोलॉजी पढ़ा जाता है पी साइलेंट रहता है। साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तो आप समझ ही रहे होंगे कि आपका बिहेवियर, आपकी एक्टिविटी, सारी चीज़ें मनोविज्ञान में काउंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी जहाँ पर भी जी वाई एन आता है वहाँ पर उस वर्ड का रिलेशन, उस वर्ड को रिलेट करते हैं महिला से। तो गायनेकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम महिला रोग के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द डिजीजेज ऑफ विमेंस। जो महिलाओं के रोग होते हैं वो महिला रोग विशेषज्ञ ही उस रोग का समाधान निकाल सकते हैं, तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोल देंगे महिला रोग विशेषज्ञ को। और जो ये ब्रांच होगी जिसमें हम ये चीज़ पढ़ते हैं, जिसमें इस सब चीज़ों का स्टडी होता है, उसको गायनेकोलॉजी बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मीन्स जो समय अवधि होती है इसका अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ टाइम सीक्वेंस। क्रोनोलॉजी की ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ रिएक्टिव साइंस। जो हमारे शरीर में प्रतिबाधा या प्रतिरक्षा क्षमता होती है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इम्यूनोलॉजी। अब ये प्रतिरक्षा शक्ति क्या होती है, जैसे हमें कोई बीमारी आ जाती है तो इस चीज़ का प्रतिघात करने के लिए, इस चीज़ को रिएक्टिव करने के लिए, इस चीज़ से लड़ने के लिए हमारे अंदर एक शक्ति होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा शक्ति। तो इसी इन्हीं सारे ऐसे जो मटेरियल्स जो हमारे बॉडी में होते हैं जो बीमारी से लड़ने में काम आते हैं, इनका सबका स्टडी इम्यूनोलॉजी में होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी होता है हृदय रोग से संबंधित। कार्डियोलॉजी में हम हृदय से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, द डिजीजेज रिलेटेड टू हार्ट इज स्टडीड इन कार्डियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व, जो पुरातत्व संबंधित चीज़ें हैं इनका स्टडी आर्कियोलॉजी में करते हैं। इसके बाद आता है इम्ब्रियोलॉजी। EMBRYOLOGY। इम्ब्रियोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब साफ साफ निकलता है इम्ब्रियस। EMBRYOS। इम्ब्रियस मीन्स होता है भ्रूण। जो भ्रूण की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ इम्ब्रियस इज कॉल्ड इम्ब्रियोलॉजी। जो भ्रूण होता है, भ्रूण से ही बच्चे का निर्माण होता है, तो उस भ्रूण की स्टडी इम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है टेरेटोलॉजी। TERATOLOGY। टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ कंजेंटियल एबनॉर्मलिटीज एंड एबनॉर्मल फॉर्मेशंस। जो असाधारण निर्माण हैं इनका स्टडी किया जाता है टेराटोलॉजी में। इसके बाद सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी मीन्स भूकंप की सारी गतिविधियां सीस्मोलॉजी में स्टडी करी जाती हैं। द साइंस रिलेटेड टू अर्थक्वेक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है डीमोनोलॉजी। DEMONOLOGY। डीमोनोलॉजी मीन्स, जैसे डिमोन मीन्स क्या होता है आपका, डिमोन मीन्स होता है प्रेत, भूत प्रेत वाला प्रेत, ठीक है। तो डिमोनोलॉजी द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिमोन्स, दैट इज कॉल्ड डिमोनोलॉजी। मतलब भूत प्रेत विद्या, भूत प्रेत विद्या डिमोनोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है क्रिप्टोलॉजी। लास्ट वर्ड है दोस्तों क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी, जैसे कोई भी चीज़ होती है वो इनक्रिप्टेड होती है,
किसी दूसरी कोड में, लैंग्वेज कोड में, उसको हम डिकोड करते हैं. द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द थिंग इन विच वी डिकोड एनी कोडेड लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी. क्रिप्टोलॉजी में हम कोड्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग कोड्स की लैंग्वेजेस होती हैं उनको क्रिप्टोलॉजी में पढ़ते हैं. तो दोस्तों ये थे 10 वो वर्ड्स, 10 लेटर के वो वर्ड्स जो लॉजी पे ख़त्म होते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.